मिस्ट्री का चैप्टर है ये, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपने ये कभी पहले वर्ड सुने नहीं हुए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपने अक्सर सुने हुए हैं ये वर्ड्स, ठीक है। और डेली लाइफ में आप यूज भी कर रहे हो ये सारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसे कभी ये वर्ड सुना ही नहीं। जूनियर क्लासेस में भी हम ये चैप्टर थोड़ा बहुत करके आए हैं, आज इसे डिस्कस करेंगे कुछ हायर लेवल के ऊपर, टेंथ क्लास के बेसिस के ऊपर इसे डिस्कस करेंगे। अब अगर डेली लाइफ के अकॉर्डिंगली मूव करूं मैं, ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ सब्सटेंसेस निकल के आ रहे हैं जिन्हें डेली लाइफ में मैं यूज करता जा रहा हूं, ठीक है। जैसे एसिड, अब एसिड जो मैं डेली लाइफ में यूज कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरे पास निकल के आ रहे हैं ऑरेंज जूस। आप जो संतरा खा रहे हो दैट इज ऑरेंज, उसमें जो जूस है वो एसिड है। इसी तरह से विनेगर आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, उसे सिरका बोलते हैं हम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एसिड। नींबू पानी, इन दिनों में गर्मी है, लेमनाइड आप पीते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एसिड। सिट्रिक एसिड, सिमिलरली हमारे पेट में हमने लाइफ प्रोसेस किया, लाइफ प्रोसेस में हमें पता चला था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारे पेट में HCl रिलीज होता है। जो HCl मेरे बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, ठीक है। इस तरह से बेसिस हम यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग मतलब ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। मतलब ये डेली लाइफ के यूजेस आ गए एसिड एंड बेसिस। सोप, इन दोनों में बहुत ज्यादा आप सोप यूज कर रहे होगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द बेस। ब्लीच, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द बेस, ठीक है। सिमिलरली अमोनिया सोल्यूशन इज ऑल्सो द बेस। मतलब ये डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें, हम यूज तो कर रहे हैं, शायद हमें ये नहीं मालूम था कि वो एसिड के बेसिस है, ठीक है, शायद हमें ये नहीं मालूम था कि वो एसिड के बेसिस है। सिमिलरली सॉल्ट्स, अरे सॉल्ट्स का नाम सुन के पता चल जाता है कि यार नमक, उसके बगैर तो कोई किचन में काम ही नहीं हो सकता। और वॉटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। सिमिलरली टेबल सॉल्ट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल सब्सटेंस। कुकिंग ऑयल जो आप यूज कर रहे हो दैट इज ऑल्सो ए न्यूट्रल सब्सटेंस। घर में कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है ना, तो ये सारे सब्सटेंसेस निकल के आ रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज हो रहा है कि यार ये सारे सब्सटेंसेस तो हम डेली लाइफ में यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो डेली लाइफ में यूज करते हुए इनके बारे में पता कैसे चलेगा यार मुझे कि यार ये फलानी चीज एसिड है, ये चीज बेस है और ये चीज न्यूट्रल है। आज तो चलो मैंने ये बता दिया, काफी बच्चों को ये पता नहीं होगा कि यार सोप आर बेसिस, काफी बच्चों को नहीं पता होगा कि सोप बेसिस होते हैं। इसी तरह से हमारे पास मतलब एक वे तो होना चाहिए ना कि इन एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस को जो डेली लाइफ में यूज कर रहा हूं इनके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता चल जाए, ठीक है, कोई वे होना चाहिए, कोई ऐसा मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो आज का दिन हमारा वही मेथड के ऊपर निकलेगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट के हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस जिन्हें हम यूज कर रहे हैं उनके बीच में हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये ना डेली लाइफ में ना बेसिस यूज होते हैं लैब्स के अंदर, ठीक है। अगर आप देखो ये लैब्स में यूज हो रही है, लैब्स में बोटल्स इस तरह से होती हैं, ठीक
ठीक है, लैब्स में बोतल इस तरह से होती है। अगर आप इसे अच्छी तरह से देखो जरा, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे क्लियर वॉटर है। इट सीम्स लाइक क्लियर वॉटर। बोतल के अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, दोनों बोतल्स के में, हालांकि बोतल्स के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ बेस सॉल्यूशन। अब अगर बोतल के ऊपर ना लिखा हो बेस सॉल्यूशन, तो देखने पर तो मैं इसे वॉटर ही समझने वाला हूं। अब ये लैब में कोई रखी बोतल है, ठीक है, आपकी कोई केमिस्ट्री लैब होगी स्कूल की या कोई और लैब होगी, वहां पर अगर बेस पड़ा हो तो वो कुछ इस तरह से विजिबल होता है, ठीक है, कलर वॉटर की तरह। तो मतलब यहां पर फिर से मेरी रिक्वायरमेंट निकल के आनी शुरू होगी कि भाई मुझे पता चलना चाहिए, एक कोई मेरे पास ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसकी हेल्प के साथ मुझे पता चल जाए कि ये प्लानी चीज, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ए बेस, दैट ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ए बेस। अब ये रिक्वायरमेंट, मैं अब रिक्वायरमेंट्स की बात करता जा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैंने जो प्रोडक्ट्स दिखाए थे डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज करते जा रहे हैं, इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है मेरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, इसलिए इनके बीच में अगर मुझे ये कोई नहीं भी पता कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है, तब भी मेरा चल जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेडिकल फैसिलिटीज की बात आती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, तो घरेलू नुस्खे, ठीक है, हम कहते हैं ना घरेलू नुस्खे, तो उनके बारे में अगर नॉलेज होगी एसिड बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस के, तो घरेलू नुस्खों के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर मुझे एसिड बेस एंड सब्सटेंसेस के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, डिस्टिंग्विश मैं कर सकूंगा, ओनली देन मैं उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करूंगा एट द टाइम ऑफ नीड रिक्वायरमेंट और इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी। सिमिलरली लैब के अंदर अगर सपोज करो ये उसके ऊपर जो बेस सॉल्यूशन लिखा हुआ वो उतर जाए, ठीक है, तब तो यार जो भी लैब टेक्नीशियन है या जो भी बंदा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आ रहा है लैब के अंदर, उसे तो देख के पता ही नहीं चलेगा ये बेस है कि वाटर है, देख के तो चेक करना बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए, ठीक है ना। सिमिलरली मेरे पास ये एसिड्स निकल के आ रहे हैं, अरे यार ये तो खुद ये एसिड्स भी तो क्लियर वॉटर की तरह ही नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग लाइक क्लियर वॉटर, हालांकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो ए सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाइल्यूट, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। वो साथ में क्या पड़ा हुआ है, नाइट्रिक एसिड, इधर क्या पड़ा हुआ है, नाइट्रिक एसिड पड़ा हुआ। अब ये देखो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दोनों के दोनों ही वॉटर की तरह नजर आ रहा है, अब बेस भी मेरा वॉटर की तरह नजर आ रहा है, एसिड भी मेरा वॉटर की तरह ही नजर आ रहा है, वॉटर तो चलो है ही वॉटर की तरह, वॉटर का क्या बोले। अब तीनों अगर इकट्ठे पड़े हो विदाउट एनी टैग, तो यार डिस्टिंग्विश कैसे करें उनके बीच में, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें, पता कैसे चलेगा कि यार ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। रही बात कंसंट्रेटेड एसिड की, कंसंट्रेटेड एसिड को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, ठीक है, हाथ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये हाथ पे जल जाएगा तो ये बर्निंग इफेक्ट्स देके जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या देके जाता है, बर्निंग इफेक्ट्स देके जाता है, तो इसे बहुत क्लियरली यूज करना पड़ता है, बच्चों को तो यूज करने ही नहीं देते हैं हम, ठीक है। अगर स्कूल लैब्स की बात करें तो वहां पर अलाउड नहीं है कंसंट्रेटेड एसिड रखना, क्यों, क्योंकि गलती से भी अगर कंसंट्रेटेड एसिड हाथ पे लग गया या स्किन को टच कर गया, तो वहां पर स्किन तो क्या, स्किन के नीचे की अगर बोन भी होगी ना, हड्डी भी होगी, उसे भी वो क्या कर देगा, बर्निंग इफेक्ट गाल के रख देगा, ठीक है। अब यार देखने में वॉटर की तरह लग रहा है और हार्मफुल इतना, तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि मुझे देख के अगर पता नहीं चल रहा
तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक हो, मेथड हो, जिसकी हेल्प के साथ मुझे पता चल जाए अगर फलानी चीज पड़ी हुई है उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा तो मुझे पता चल जाए कि वो एसिड निकल गया। तो देर इज दे, मतलब मैं अभी रिक्वायरमेंट्स के लिए मटेरियल दे रहा आपको कि यार कौन कौन सी ऐसी जरूरत बातें हैं जिनके कारण हमें इनके बीच में एक डिफरेंस चाहिए, चेक करने का एक मेथड चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर चीज एसिड है, ये पर्टिकुलर चीज बेस है। ठीक है, यूज तो हम डेली लाइफ में करते ही आ रहे हैं। अच्छा, जो एसिड हम डेली लाइफ में यूज करते जा रहे हैं वो हार्मफुल नहीं है। हम अगर डिल्यूट एसिड की बात करें, ठीक है, ये मेरी बॉडी के ऊपर इतना हार्मफुल नहीं है। ठीक है, हालांकि जो मेरा पेट प्रोड्यूस कर रहा है डाइजेशन के दौरान, दैट इज ए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लेकिन तब के तब बताऊंगा मैं कि क्यों वो ऐसा होता था। ठीक है, या वो क्यों मेरे पेट को खराब नहीं करता, कुछ बर्निंग इफेक्ट्स नहीं देखे जाता, उसके रीजंस आते हैं, मैं बताऊंगा तब आपको जब हम डाइजेशन चैप्टर करेंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर करेंगे एक बार। ठीक है, देन ये मेरे पास कुछ मेथड्स निकल के आ रहे हैं एक तरह से, इन्हें मेथड्स भी बोल सकते हो या ये कह सकते हो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये डिफरेंस निकल के आ रहा है एसिड और बेसिस के बीच में। ठीक है, अगर वीक एसिड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमन है वीक है ना, हम खा रहे हैं। ठीक है, ऑरेंज है वीक है ना, हम खा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंस निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आप खट्टी खा रहे हो, टेस्ट सोर खट्टी लग रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, एसिड होगी। ठीक है, अगर कोई खाने वाली चीज जैसे इमली खा रहे हो, इमली इज सोर इन टेस्ट, वो खट्टी होती है, तो वो क्या होता है, एसिड होता है। वेयर एज बेसिस कोड़े होते हैं, टेस्ट बिटर, कोड़े बहुत खाए नहीं जाते। ठीक है, इसी तरह से अगर एसिड को हाथ लगाओगे, ठीक है, फील रफ बिटवीन योर फिंगर्स, एसिड को हाथ लगाकर देखो तो आपको ऐसे लगेगा रफनेस निकल के आ गई आपकी फिंगर्स के बीच में, ये डिस्टिंग्विश निकल के आ रहा है। वेयर एज बेसिस के लिए वी फील स्लिपरी बिटवीन द फिंगर्स। ठीक है, अब बेस इसकी एग्जांपल देखनी है तो सोप की एग्जांपल, सोप, हाँ सोप अगर हाथ के ऊपर लगा रहा हो, ठीक है, तो स्लिपरी होना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड्स निकल के आ रहे हैं छोटी छोटी बातों के, जिनकी हेल्प के साथ हम इसे चेक कर सकते हैं, जिनकी हेल्प के साथ हम इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी क्रोजिव, कैन बी क्रोजिव, क्रोजिव क्या होता है, ठीक है, मतलब कैन बी क्रोजिव का मतलब निकल के आता है ये खराब कर सकता है चीजों को। ठीक है, क्रोड कैन प्रोड्यूस क्रोजन, मतलब अगर किसी चीज के ऊपर पड़ गया तो वो ये क्या कर देगा, उस चीज को शायद खराब करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कंसंट्रेटेड एसिड की बात की, सारे एसिड्स हार्मफुल नहीं है, कुछ एसिड्स हैं। ठीक है, इसी तरह से बेस, बेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एस। अच्छा, मैं ना धूम मेरे ख्याल थे सेकंड सीरीज देख रहा था ऋतिक रोशन वाले, उसमें एक सीन आता है जब उसने म्यूजियम में चोरी करनी होती है, तो वो बूढ़ा बंदा बन के जाता है। ठीक है, ओल्ड मैन, एक्स लाइक ओल्ड मैन एट दैट टाइम, तो वो क्या कर रहा होता है, वो एक सीवरेज के ऊपर खड़ा होता है, सीवरेज के ढक्कन के ऊपर खड़ा होता है उस वो, और वो ढक्कन क्या किसका बना होता है, वो आयरन का बना होता है। ठीक है, आप देख सकते हो घरों के बाहर जो सीवरेज के ढक्कन है वो आयरन के बने हुए, तो वहां पर दिखाया जाता है कि उसके शूज में से कुछ निकला, निकला क्या था, वो एसिड निकाला था उसने, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड धीरे धीरे जो आयरन का वो जो गटर का सीवरेज का जो ढक्कन निकल के आ रहा था उसे क्या कर देता, क्रोड कर देता, वो एकदम से
सीवरेज के बीच में जाके गिर जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ में से कुछ बातें सही निकल के आ रही हैं अगर देखा जाए, लेकिन काफी बातें उसमें फेक भी थी। हम फेकनेस के ऊपर बात नहीं जा रहे, जो चीज हमारे रिक्वायरमेंट की है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देन कैन मेक बेस लूज देयर, अब ये तो प्रॉपर्टी आ गई, ऐसे लोग बेसिस को अगर मिक्स करोगे तो पता है सॉल्ट बनता, ठीक है। देन जो लास्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न लेड रेड लिटमस ब्लू, मुझे यहां पर क्यूरियोसिटी नजर आनी शुरू हो गई। अबे यार ये लिटमस होता क्या है, ब्लू लिटमस रेड लिटमस, ठीक है। अब यहां पर मेरा कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कह लो, जिनकी हेल्प के साथ मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं एसिड एंड बेसिस के बीच, ठीक है। और हमें इसी के ऊपर सारा काम करना है, हमने इसी के ऊपर सारा काम करना है। जो ये ब्लू लिटमस आ रहा है या रेड लिटमस आ रहा है, ये होते क्या है, इनके जैसा कुछ और भी है जिसकी हेल्प के साथ मैं चेक कर सकूं बेस और एसिड के बारे में, ठीक है। अब ये हम अभी चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि लिटमस के अलावा भी ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनकी हेल्प के साथ हम एसिड एंड बेसिस के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने पहले क्या बनाया, एक स्टोरी की तरह लिखी गई, हमें पता चला कि रिक्वायरमेंट है हमारे पास, देर इज ए माइट बी ए मेडिकल एमरजेंसी एट दैट टाइम, मुझे एसिड और बेसिस के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब डिफरेंस कह रही है, मुझे पता चला कि यार उनके तो कलर्स ही सेम निकल के आ रहे हैं, देखने में पता ही नहीं चलता कि वो एसिड और बेसिस है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिसकी हेल्प के साथ मैं पता लगा सकूं कि यार ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प के साथ एसिड और बेसिस का डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट पॉइंट ने मुझे बताया कि यार कुछ सब्सटेंसेस आ रहे हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प के साथ मैं एसिड का और बेसिस के बारे में पता कर सकता हूं, टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। कलरिंग के तो बाद में बात करेंगे, लेकिन रेड लिटमस और ब्लू लिटमस होता क्या उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर निकल के आ रहा है इंडिकेटर्स, मेरे पास यहां पर निकल के आ रहा है इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनकी हेल्प के साथ हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बीच में, ठीक है। अब होता क्या ये, अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज एन इंडिकेटर, ये डेफिनेशन आ गई, एन इंडिकेटर इज ए डाई, ठीक है, विच चेंजेस इट्स कलर, कलर में चेंज कर सकता है, ठीक है, और ऑर्डर व्हेन एडेड एडेड टू एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स आर लाइक डाई, ठीक है, डाई की तरह होते हैं, मैक्सिमम डाई की तरह होते हैं, इंडिकेटर्स आर लाइक डाई, ठीक है, इंडिकेटर्स आर लाइक डाई विच चेंजेस इट्स कलर, मेन कलर ही होता है,
ठीक है, डाई वर्ड यूज कर लिया था इसलिए कलर के साथ ही रहने देते हैं डेफिनेशन को. एन इंडिकेटर इज ए डाई विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू एसिडिक बेसिस. अब यहां पर देखो जो लास्ट पॉइंट मेरा निकल के आ रहा था, वहां पर लास्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा था, इट टर्न्स एसिड्स के लिए क्या निकल के आ रहा है, एसिड्स क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. मतलब लिटमस कहीं ना कहीं मेरा क्या निकल के आ रहा है, इंडिकेटर. लिटमस इज एन इंडिकेटर जो मेरा लास्ट पॉइंट डिस्टिंग्विश का निकल के आ रहा था. लिटमस का अपना कलर क्या निकल के आ रहा है, ब्लू निकल के आ रहा है. और जब एसिड उसके अंदर डाल दिया जाता तो वो रेड कलर देना शुरू कर देता. मतलब विद द हेल्प ऑफ एन लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, विच एक्ट्स एज एन इंडिकेटर, मुझे पता चल जाता है दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एन एसिड और अ बेस, इज एन एसिड और अ बेस. ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस के इस तरह से मेरे पास सब्सटेंसेस निकले. ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इंडिकेटर क्या होते हैं, अब मैंने बता दिया व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंडिकेटर, बिकॉज देखने से, नेकेड आई देखने से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पता नहीं चल सकता. अगर मुझे पता लगवाना कि पर्टिकुलर चीज एसिड बेस और सॉल्ट है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस चाहिए जो अगर मैं ऐड करता हूं उनके बीच में कलर चेंज आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में. ठीक है, सिमिलरली टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सिमिलरली मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बीच में देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर्स है. ठीक है, देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर्स निकल गया. ठीक है, पहला इंडिकेटर निकल के आता है लिटमस, देख ही लिया थोड़ा बहुत, आगे भी देखेंगे. सेकंड निकल के आता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर है, ये भी कलर में चेंजेस देगा. क्या चेंजेस देगा मैं सारा बताऊंगा. फिनोप्थलिन तो बहुत यूज करते हैं हम, लैब्स में पढ़ा ही होता है. अब ये तीनों इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट हर लैब में पढ़े होते हैं, ये हर लैब में पढ़े होते हैं ये इंडिकेटर्स. और ये इंडिकेटर्स की हेल्प के साथ बहुत इजीली एसिड और बेसिस के बीच में हमें डिफरेंस पता चल जाता है, पता चल जाता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एन एसिड और अ बेस. ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं हमारे लैब के बीच में, केमिस्ट्री के बीच में, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलिन. लिटमस, फिनोप्थल, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलिन, नोट कर लिया, नोट करते जाओ साथ के साथ. हालांकि आज इतना ज्यादा नोट करने वाला नहीं होगा, आज पर्टिकुलरली देखने वाली बातें ज्यादा होंगी. ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरे पास एक पिक्चर निकल के आ रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, विजिबल है. हाँ जी, मेरे पास यहां पर एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, दिस इज अ सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला. अब ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन के अंदर गया, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड निकल के आ गया तो ये एसिड है. ठीक है, शो कर रहा है, वो रेड कलर का बन जाता है. ये पेपर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में. ठीक है, अगर देयर इज नो चेंज, अगर ब्लू लिटमस पेपर को मैं किसी सॉल्यूशन में डालता हूं अगर तो वो रेड कलर का हो गया तो वो एसिड है. अगर देयर इज नो चेंज तो याद रखिएगा वो बेस है. तो वो याद रखिएगा, वो क्या बन जाता है, वो क्या होता है, बेस होता है. मतलब when we add litmus paper
to an acid solution. It becomes red. But if the solution is base, there is no change in color. ये सिर्फ अभी blue litmus paper की बात हो रही है. अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेड कलर का. लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस के अंदर डाला जाएगा तो देयर इज नो चेंज इन कलर. कलर में कोई चेंज नहीं निकलेगा. ब्लू कलर है, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा. याद रखो. अब ये याद, अब इंडिकेटर्स जो जो आपको कलर देते हैं वो आपको कलर्स याद रखने पड़ेंगे. कलर्स तो याद रखने पड़ेंगे तब भी पता चलेगा हमें कि ये एसिड है के बेस है. कलर से नहीं याद रखोगे तो फिर इंडिकेटर्स का काम भी खत्म. कलर से याद रखना जरूरी है. ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक और रेड कलर का लिटमस पेपर निकल गया. अब रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ब्लू बन जाता है. ठीक है, रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर बेस में डालोगे तो वो ब्लू बन जाता है. बट अगर एसिड में डालोगे तो देर इज नो चेंज कलर. मतलब फॉर द रेड लिटमस, अगर बेस में डालोगे कलर चेंज हो जाता है. किसमें? ब्लू में. अगर एसिड में डालोगे नो चेंज इन कलर. इस तरह से वो आपको पिक्चर में देख के पता भी चल रहा होगा. ऐसा ही अक्कर करता है. ठीक है, तो ये मेरा पहला इंडिकेटर निकल के आ गया. पता चल गया हाउ इट वर्क्स, हम उसे काम कैसे करवाते हैं, हमें ये भी देख के पता चल रहा है. देन मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, नाम से पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज. ऑरेंज कलर का ही होगा. तो यहां पर बीच में हमने क्या रखा, सेंटर में ये मिथाइल ऑरेंज है. लेकिन जब एक मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर दोगे एसिड में तो वो क्या बन जाता है, रेड. जब एक मिथाइल ऑरेंज को किसी एसिड में ऐड करोगे तो वो क्या बन जाता है, रेड. और अगर किसी बेस अल्किल को क्या बोलते हैं, बेस. ठीक है, ये अगर लिक्विड सॉल्यूशन होता है बेस का उसे क्या बोल दिया जाता है, अल्किली बोल जाते हैं. मतलब एक ही बात है, हम बेस की बात ही करें, अल्किली का नेचर बेस ही होता है. अगर मिथाइल ऑरेंज को किसी बेस में ऐड करोगे तो उसका कलर क्या बन जाता है, येलो. नोट कर लो ये बात. अब ये किसी लैब में रखा हुआ मिथाइल ऑरेंज है, ड्रॉपर पड़ा हुआ, ड्रॉपर की हेल्प के साथ एसिड में डालोगे तो एसिड का कलर रेड हो जाएगा, ड्रॉपर की हेल्प के साथ बेस में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा. सो देयर इज अ चेंज इन कलर. मुझे कलर्स याद रखने हैं कि एसिड में डाल के क्या कलर आएगा, बेस में डाल के क्या कलर आएगा. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. नोट कर लो ये बात. तो ये मेरा दूसरा इंडिकेटर आया जिससे पता चला हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स. सिमिलरली फिनोप्थिलिन, याद रखो फिनोप्थिलिन का अपना कलर क्या निकल के आता है, क्लियर, वाटर की तरह. फिनोप्थिलिन का अपना ओरिजिनल कलर जो है वो एक तरह से कलरलेस है, हम ये कह सकते हैं क्लियर है या कलरलेस. कलरलेस सॉल्यूशन फिनोप्थिलिन. और अगर एसिड में डालोगे फिनोप्थिलिन, अगर एसिड में डालोगे ये रहा एसिड, तब भी क्या रहेगा, ये कलरलेस ही रहेगा. एसिड में ये अपना कलर चेंज नहीं करता,
कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब बेस में डालोगे इट टर्न्स ब्लू, सॉरी इट टर्न्स पिंक, इट टर्न्स पिंक। अगर बेस के अंदर डालोगे तो इसका कलर क्या निकल के आया था, पिंक। एसिड में इसका अपना ओरिजिनल कलर कलरलेस है, एसिड में डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में डाल दोगे तो वो क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है। ठीक है, अब फिनोक्टिलिन ज्यादातर यूज कहां पे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं ये ज्यादा फिनोक्टिलिन को। ठीक है, तो ये तीन मेरे इंडिकेटर्स निकल के आए, मैंने दिखाए भी इंडिकेटर्स, पिक्चर्स रखी हुई हैं हमने उनकी, तो पता चला वो इंडिकेटर्स कैसे कैसे यूज होते हैं, वो क्या क्या कलर्स में चेंजेस देते हैं वो सारे। अब ये कलर्स के चेंजेस आपको याद रखने हैं, कलर के चेंजेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन अब ये मेरा एक तरह से ये एक स्ट्रिप दी हुई है आपको, ठीक है, जिसमें हमें बताया हुआ, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बात करेंगे इसके ऊपर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में अलग अलग कलर्स निकल के आते हैं। अब जैसे गैस्ट्रिक एसिड है तो उसके लिए रेड कलर निकल के आएगा, लेमन जूस है उसके लिए हल्का हल्का ऑरेंज और येलोइश निकल के आएगा, ऑरेंज जूस के लिए येलो निकल गया है, टोमेटो जूस के लिए मतलब जो टमाटर आप खा रहे हो, दैट इज। अब ये सारे टिल सेवन तक, यहां तक ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड्स। अब ये डिस्टिल्ड वाटर आ गया, ये होता है न्यूट्रल, ना एसिड बोलूंगा ना बेस, मतलब ना एसिड बोल सकता हूं ना बेस, ये सारे क्या निकल के आ रहे हैं, बेस। ये सारे क्या निकल के आ रहे हैं, बेस। अब सभी के कलर्स अलग अलग निकल के आ रहे हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं, व्हाई देयर इज नीड फॉर यूनिवर्सल इंडिकेटर, और यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटर क्यों है उसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, व्हाई देयर इज नीड यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या आगे चल के पता चलेगा पहले, लेकिन रिक्वायरमेंट तो पता चले। ठीक है, अब ये मेरे नेचुरल इंडिकेटर्स निकल के आ रहे, ये हल्दी है टर्मरिक, ये ओरिजिनल हल्दी है, हिंदी में हल्दी बोल देते हैं, अगर वाटर में लोगे तो ये ओरिजिनल कलर क्या निकल के आ रहा है, येलो, ये हल्दी का कलर निकल के आ रहा है। घर में यूज करते हैं हम हल्दी, येलो कलर की होती है। ठीक है, लेकिन अगर हल्दी को बेस में डालोगे, ये बेस है तो ये कलर क्या कर देती है, रेड, रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है बेस को। सो ये मेरा नेचुरल इंडिकेटर है, घरों में पड़ा हुआ, ये नेचर से मिल रहा है हमें, इससे पहले जो मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलिन है वो आर्टिफिशियल है, लिटमस आर्टिफिशियल नहीं है, लिटमस ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, ये मेरा नेचुरल इंडिकेटर है। पूछते हैं टीचर्स, हल्दी ये बेस को कर देती है रेड, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर यूजिंग ए सोप टू क्लीन इस पोर्ट ऑफ टर्मरिक। अब वो सोप क्या होता है, बेस होता है, तो आप धोते धोते चेक करोगे वो येलो से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आज चाहे प्रैक्टिकल घर में करके देख लेना ये वाला। ठीक है, घर में आप ये चेक कर सकते हो, थोड़ा सा हल्दी का सोल्यूशन किसी कपड़े के ऊपर डालो, ठीक है, फिर उसी कपड़े को धो, बस प्रोवाइडेड आपकी मम्मी ना मारे,
तो गंदा कपड़ा लेना, मतलब वो कपड़ा लेना जो आप यूज नहीं कर रहे, मतलब मम्मी मारेगी। एक मिनट, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। देन आगे कैबेज, रेड कैबेज, रेड कैबेज इज ऑल्सो, रेड कैबेज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। अब आप याद, सिंपल इसमें याद रख लो कि रेड कैबेज एसिड सॉल्यूशंस के लिए क्या करती है, रेड कलर देती है एंड ग्रीन कलर देती है बेस के लिए। आपको बस इतना याद करना है, हालांकि ये अलग अलग कलर्स देती है, ठीक है, ये लेकिन अलग अलग कलर्स के लिए आप याद में रखो। सिंपल याद रखो, रेड कैबेज एसिड को जब एसिड में जानी जाती है तो रेड में कन्वर्ट कर देती है, अगर बेस में डाला जाएगा रेड कैबेज को तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी बुक्स में इतना ही दिया होगा, बाकी जो ये आ रहे कलर्स वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक एसिड है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे जब। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, अभी के लिए बस इतना याद रखो, रेड कैबेज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर जो एसिड को रेड में और बेस को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली लिटमस, लिटमस इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस का अपना मतलब ये पेपर में, पेपर इसी की हेल्प के साथ तैयार किया जाता है। अगर लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमें, ये किसी प्लांट से मिल रहा है इसलिए इसे नेचुरल इंडिकेटर बोल रहे हैं, प्लांट से मिलता है लिटमस। अब इसका अपना ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल, ये लिटमस है, इसका अपना कलर क्या निकल के आ रहा है, पर्पल, ठीक है, लेकिन जब एसिड में डालोगे तो क्या बन जाता है, रेड, और जब बेस में डालोगे तो क्या बन जाता है, ब्लू। ये इस तरह से, सो लिटमस, ऑल लिटमस इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर as it is obtained from the plant, इसका अपना original color क्या निकल के आ रहा है, purple निकल के आ रहा है, litmus solution है ये आपके सामने, lab में रखा हुआ। अब अगर किसी acid में डालोगे तो वो red बन जाता है, किसी base में डालोगे तो वो blue बन जाता है। ठीक है, देखिए अभी तक सिर्फ indicators के बारे में पढ़ी जा रहे हैं, इतने indicators रखे हुए हमने। Similarly ये आ रहा है all factory indicators, इनका इतना ज्यादा यूज नहीं करते हम, ठीक है, बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स चेंज द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, चेंज द ऑर्डर व्हेन एडेड टू द एसिड एंड बेस। यार अब ऑर्डर में दिखा नहीं सकता, वो तो स्मेल करना, बस वो तो सेंसेस है, स्मेल करना होता है। तो ऑर्डर के लिए बस आप इतना याद करके कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंज द ऑर्डर और स्मेल व्हेन एडेड टू द एसिड एंड बेस, व्हेन एडेड टू द एसिड एंड बेस। इसकी एग्जाम्पल निकल के आती है अनियन, प्याज एंड वेनिला, आइसक्रीम खा रहे हो वेनिला, ये वो वाली, ठीक है जी।
तो ये ऑर्डर अलग अलग निकल के आते हैं। ये बेसिकली आपको जब लैब्स में यूज करने का मौका मिलेगा तब पता चलेगा, ऑर्डर तो स्मेल करने के पता चलेगा ठीक है, या फिर जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब पता चलेगा आपको। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंज द स्मेल, और इसकी एग्जांपल है अनियन एंड वेनिला, अनियन एंड वेनिला। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, हालांकि इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, यहां पर मैंने इसका छोटा सा एक एड ऑन किया है। अब हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स होते हैं, अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ, अब व्हेनेवर एन एसिड इज एडेड इन वॉटर इट रिलीज एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ग्रेटर दी एच पॉजिटिव आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन, जो वॉटर के अंदर एड करके जो मेरा सॉल्यूशन आता है उसे एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ग्रेटर दी एच पॉजिटिव आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर इज दी एसिड। अब ये चेक करने का वे आता है, ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, जब भी पानी के अंदर ऐड करोगे तो वहां पर एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। अब अगर एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा निकल के आएंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, अगर कम होंगे तो वीक एसिड होगा, अगर कम होंगे तो वीक एसिड होगा, नोट कर लो इस बात को। हालांकि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के ऊपर आगे अगला एक और लेक्चर भी आएगा हमारे पास, यहां के लिए इतना ही याद रखो बस। इसी तरह से वीक एसिड, वीक बेस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, व्हेन एडेड टू द वॉटर पानी में अगर डालूंगा तो ये क्या करते हैं, ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। अब ग्रेटर दी नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, अब याद रखिएगा एसिड्स ऑल्सो रिलीज OH नेगेटिव आयंस, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब ये मैयर करने का वे है हमारा। अब OH नेगेटिव आयंस काउंट कैसे करें, प्रॉब्लम तो ये निकल के आ रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड में H पॉजिटिव आयंस कैसे ऐड करें, मतलब काउंट करें, OH नेगेटिव आयंस कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने उसके लिए भी क्या किया हुआ है, अभी अगर चेक करना है, अगर ये काउंट करने नंबर ऑफ आयंस H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, तो उसके लिए भी हमने एक मेथड ढूंढा हुआ। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मेथड क्या निकल के आता है, pH स्केल। उसके लिए मेथड क्या निकल के आता है, pH स्केल। ठीक है, अब जैसे आप लेंथ को मैयर करने के लिए, जैसे लेंथ को मैयर करने के लिए सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो ना, उसी तरह से H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस मैयर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, पीएच स्केल ढूंढा हुआ, क्या ढूंढा हुआ है, पीएच स्केल ढूंढा हुआ। हमारे पास वैसे ये क्या निकल के आता है कि पीएच स्केल निकल गया। अब पीएच स्केल में क्या होता है, अगर तो किसी का, ठीक है, ये चीज ये देखिए, वन से शुरू हो रहा है, 1 से 14 तक का है पीएच स्केल। ठीक है, अगर तो किसी का पीएच 1 निकल के आ रहा है, अब पीएच स्केल मैयर क्या कर रहा है, पीएच स्केल मैयर कर रहा है OH नेगेटिव आयंस, क्या मैयर कर रहा है, OH नेगेटिव आयंस को मैयर कर रहा है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब एसिड के अंदर OH नेगेटिव आयंस नहीं होते, एसिड के अंदर मैंने अभी बताया H पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसलिए
अगर कोई एक एसिड निकल के आ रहा है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस है ही नहीं, तो वो क्या होता है, उसका पीएच क्या निकल के आएगा, 1। उसका पीएच क्या निकल के आएगा, 1। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड निकल गया, क्या निकल के आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा OH नेगेटिव आयंस उतने ही कम होंगे। अब अगर पीएच 2 निकल के आ रहा है तो मींस OH नेगेटिव आयंस थोड़े थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, मेरे पास एक चीज याद रखिएगा, इसके सारे चक्कर के बीच में एक चीज याद रखिएगा, अगर H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ग्रेटर निकल के आ रहे हैं नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस से, तो याद रखिएगा ये एसिड होगा। जब तक H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे देन दैट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड। अगर नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इज लेस देन नंबर ऑफ OH नेगेटिव, तो उसे क्या बोलेंगे, बेस। उसे क्या बोलते हैं, बेस। उसे क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। तो पीछे मेरा कुछ ऐसे ही निकल के आ रहा, पीछे मेरी ये बातें ऐसे ही निकल के आ रही, ठीक है। अगर मैं पीएच 1 की बात करता हूं तो मतलब OH नेगेटिव आयंस होंगे ही नहीं, धीरे धीरे OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज कर रहे हैं टिल 6 तक। अगर बात करें टिल 6 तक, यहां पर H पॉजिटिव आयंस आर ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयंस, बट वो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं तो मेरे OH नेगेटिव आयंस क्या करते जा रहे, इंक्रीज करते जा रहे। जब पीएच 7 निकल के आएगा, प्योर वाटर है देखो, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH। जब पीएच आपका 7 निकल के आएगा तो वो न्यूट्रल होता है, दैट इज सॉल्ट कह सकते हो आप उसे। एट दैट केस सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या निकल के आ रही है, प्योर वाटर। एग्जांपल क्या निकल के आ रही है, प्योर वाटर। वाटर को देखो ये है, तो ब्रेक करोगे तो ये चीज निकल के आ रही है आपके सामने है, मैंने लिख दी रिएक्शन, एक ही एच पॉजिटिव आएगा, एक ही OH नेगेटिव, इक्वल हो गए। जब भी इक्वल होगा तो पीएच स्केल के ऊपर उसका पीएच कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, तो वो न्यूट्रल है। अगर एच पॉजिटिव आयंस इंक्रीज करके तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर OH नेगेटिव आयंस धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो पीएच मेरा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, पीएच करता जाएगा इंक्रीज राइट हैंड साइड की तरफ जाता है। अब साथ में जैसे ही पीएच हुआ 8, इसकी एग्जांपल आ रही है 10 एग, पीएच हुआ 8, तो याद रखिएगा यहां पर OH नेगेटिव आयंस क्या कर गए, इंक्रीज कर गए देन H पॉजिटिव आयंस, जब पीएच क्या निकल के आ रही है 8। और जब पीएच मेरा 14 निकल के आया तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे हम इसे, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, चेक कर लो जरा। अब एक बात याद रखो, जो ये पीएच स्केल निकल के आ रहा है इसे बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ये वाला मैंने जो पहले बोला था, ठीक है, नेचुरली यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब ये हमें ये तक बता रहा है कि कौन सा एसिड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक है, ये हमें ये भी बता रहा है कौन सा बेस वीक और स्ट्रॉन्ग निकल गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज हमने देखा